हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग टाइम एंड वर्क 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने टोटल 52 सेशन कम्प्लीट कर चुके हैं। ये हमारा सेशन नंबर 53 है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग सेशन की ओर प्रोसीड करते हैं। हमने अभी तक टोटल 265 क्वेश्चन कर लिया है टाइम एंड वर्क के ऊपर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 266 है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए एंड बी सेपरेटली फिनिश अ वर्क इन 10 डेज। दिया हुआ कि ए और बी किसी काम को करते हैं अलग अलग, तो ए अकेला 10 में करता है और बी अकेला 15 में कर पाता है। ए वर्क्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यानी अब कंडीशन दिया हुआ है, ए है जो काम को करता है क्या, तो शुरुआत से काम करता है, शुरुआत से अंत तक काम करता है, बिगिनिंग टू एंड यानी शुरुआत से अंत तक काम करता है। बी वर्क्स हाफ टाइम, यानी दिया हुआ बी है जो आधा समय काम करती है करता है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीट, तो पूछ रहा है जो काम है जो कितना दिन में समाप्त हो पाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाते हैं आइए हम देखते हैं। तो ए एंड बी सेपरेटली फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, यानी ए है जो इस काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क ले लेंगे। टोटल वर्क कैसे लेते हैं, टाइम का एलसीएम लेते हैं। तो टाइम का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, इफिशियंसी यानी वन डेज वर्क निकालते हैं। इफिशियंसी क्या होता है, वन डेज वर्क होता है। तो वन डेज वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी टोटल वर्क 30 में डिवाइड बाय टाइम करना है तो हमारा क्या आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगा। यानी 30 डिवाइड बाय 10 तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बी का कितना हो जाएगा इफिशियंसी, तो 30 डिवाइड बाय 15 यानी 2 हो जाएगा। तो बी का हमारा कितना आ गया, 2 आ गया इफिशियंसी, और ए का कितना आ गया, 3 आ गया। कहने का अर्थ यह है कि ए है जो एक दिन में 3 काम करता है और बी है जो एक दिन में 2 काम करता है। तो हम कंडीशन दिया हुआ क्या, तो कंडीशन हमारा दिया हुआ है ए वर्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यानी ए है जो शुरुआत से लेकर अंत तक काम करता है। बी वर्क हाफ टाइम, यानी बी है जो आधा काम करता है, ठीक है। यानी टोटल अगर दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर दोनों काम कर रहे हैं और ए है जो शुरुआत से लेकर अंत तक काम करता है, यानी ए है जो अपना एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 ही काम करेगा एक दिन में। लेकिन दिया हुआ क्या कि बी है जो हाफ टाइम यानी आधा समय काम करती है, तो बी है जो एक दिन में 2 काम करती है, तो आधा समय में कितना काम करेगी, बी एक दिन में 2 काम करती है, एक दिन में 2 काम, तो बी है जो आधा दिन में कितना काम करेगी, तो बी है जो एक दिन में 2 काम करती है, तो आधा दिन में कितना काम करेगी, 1 काम करेगी। यानी 1 काम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 काम हो जाएगा, यानी 1 काम हो गया। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो ए प्लस बी का क्या पूछ रहा है, डेज पूछ रहा है, डेज समय पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क 30 है डिवाइड बाय टोटल इफिशियंसी। तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, बी है जो आधा समय काम करती है, यानी बी का न्यू इफिशियंसी कितना हो जाएगा, न्यू इफिशियंसी यानी वन डेज वर्क कितना हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि बी आधा काम करती है। लेकिन हम लोग निकाले थे बी है जो एक दिन में 2 काम करती है, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि बी है जो आधा काम करती है, यानी कितना, अब आधा दिन काम करती है, तो आधा दिन काम करेगी यानी आधा काम करेगी। तो बी है जो एक दिन 2 काम करती है, तो आधा दिन काम करेगी, तो यानी 1 काम करेगी, यानी एक दिन में अब कितना काम करेगी, तो 1 काम करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 जो ली है तो हम लोग डेज निकालना है, टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशियंसी। टोटल इफिशियंसी कितना है, 1 का 3 है, और बी का जो नया एक्सेंसी कितना आ गया, बी का नया एक्सेंसी क्या आ गया, 1 आ गया, यानी 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा। तो 30 / 4 कितना हो जाएगा, तो 15 / 2 यानी 2 होल 7 होल 1/2 डेज हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, इसमें समझने वाली बात क्या थी, समझने वाली बात यह थी कि बी वर्क्स हाफ टाइम, बी है जो आधा समय काम करती है, तो आधा समय काम करेगी, तो जो हमारा जो एक दिन में जो काम करती है, 2 काम करती है, वो भी तो आधा हो जाएगा, यानी बी है जो कितना काम कर रही है, तो 1 काम कर रही है। तो हम लोग क्या किए, तो ए प्लस बी का डेज निकाला, समय निकाला था, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशियंसी, ए है जो एक दिन 3 काम कर रहा है और बी है जो आधा समय काम करती है, यानी कितना दिन काम कर रहे हैं, तो 1 काम कर रहा है। तो 30 / 4 यानी 15 / 2 इक्वल टू 7 होल 1/2 डेज हमारा आंसर रहा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 266 का समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 267 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स,
क्वेश्चन नंबर 267 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग थ्री मेथड से बनाएंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। ए एंड बी सेपरेटली कैन फिनिश अ वर्क इन 24-32 डेज रिस्पेक्टिवली, यानी ए और बी किसी काम को अकेला अकेला, ए 24 दिन लेता है अकेले करने में और बी उसी काम को 32 दिन लेते हैं करने में। दे स्टार्ट टूगेदर, कंडीशन दिया हुआ है, दे स्टार्ट टूगेदर, वे लोग एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी डेज डज बी लीव, कितने दिनों के बाद बी काम को छोड़ दे, सो दैट द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 18 डेज। तो कितने दिनों के, दोनों स्टार्ट करते हैं ए और बी, दोनों स्टार्ट करते हैं, कंडीशन दिया हुआ कि बी कितने दिनों के बाद काम को छोड़ दे कि हमारा जो वर्क है जो 18 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ए और बी का दिया हुआ क्या, ए है जो 24 दिन ले रहा है और बी कितना दिन ले रहा है, तो बी है जो 32 दिन ले रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा आपको 24 और 32 का एडिशन कितना होता है 96 होता है, यानी टोटल वर्क हमारा 96 हो गया। अब क्या करना है, एक्सचेंज यानी वन डे वर्क निकाल लेना है। तो एक्सचेंज कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी ए का कितना हो गया, ए एक दिन में 4 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 4 और 3 आ गया। अब क्वेश्चन के मुताबिक बढ़ते हैं। दे स्टार्ट टूगेदर, यानी ए और बी दोनों स्टार्ट करते हैं टूगेदर, बट आफ्टर फ्यू डेज, देखिए क्या हो रहा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज डज बी लीव, तो कौन छोड़ रहा है काम को, तो बी है जो काम को छोड़ रहा है। कौन काम करेगा, ए काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, तो अब ए काम कर रहा है, ठीक है। और अब फिनिश इन 18 डेज, और कितना दिन में कार्ड समाप्त होने जा रहा है, तो 18 दिन में कार्ड समाप्त हो जा रहा है। तो जो हमारा कितना टोटल वर्क है, हमारा टोटल वर्क 96 है, कितना है टोटल वर्क हमारा 96 है, 96 ही वर्क तो करेंगे। ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी है जो काम को छोड़ रहा है, उसके बाद कौन काम कर रहा है, तो ए काम करेगा। तो अगर देखा जाए कितना दिन में काम समाप्त हो रहा है, 18 दिन में। अगर हम दिमाग लगाएं तो एक बात नोटिस कीजिए कि ए है जो लगातार 18 दिन काम करेगा, क्यों, क्योंकि कार्य समाप्त हो रहा है 18 दिन में, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, उसके बाद बी काम को छोड़ दे रहा है, फिर ए काम कर रहा है, यानी ए है जो 18 दिन काम कर रहा है, कितना दिन काम कर रहा है, 18 दिन काम कर रहा है, यानी टोटल वर्क डन बाय ए, क्या टोटल वर्क डन बाय ए, यानी ए के द्वारा किया गया कार्य है कितना, तो कितना कार्य किया गया, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग, तो ए है जो लगातार 18 दिन काम करेगा, क्योंकि कार्ड तो समाप्त हो रहा 18 दिन में, यानी 18 दिन काम कर रहा है, और एक दिन में एक कितना काम करता है, तो एक एफिशिएंसी एक 4 है, यानी एक दिन में ए है जो 4 काम करता है, यानी 18 × 4 यानी 72 वर्क है, तो कौन काम किया, तो ए काम किया। तो कैसे निकाले हम लोग, क्योंकि ए है जो बी के साथ भी काम करता है, ए अकेला भी काम करता है, लेकिन दिया हुआ क्वेश्चन में कि काम है जो 18 दिन में समाप्त हो रहा है, यानी ए है जो लगातार 18 दिन तक काम करता है, हमने वर्क निकाले कि ए कितना वर्क किया है 18 दिन तक, तो 72 वर्क ए के द्वारा हुआ, लेकिन टोटल वर्क हमारा 96 है, तो बी भी कुछ काम किया होगा, तो बी वर्क डन बाय बी, तो वर्क डन बाय बी निकालेंगे, बी है जो कितना काम किया है, तो बी कितना काम किया है, तो टोटल वर्क हमारा 96 है, और ए कितना काम किया, 72 वर्क किया है, तो बी का निकल नहीं जाएगा 96 - 72, तो 96 - 72 यानी 24 काम कौन किया, तो बी किया है, कौन किया है, तो बी कितना किया है, 24 काम किया है बी। तो हम लोग अगर डेज निकालना चाहे, बी है जो 24 काम कितना दिन में की है, तो कैसे निकलेगा, बी का डेज अगर निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बी के द्वारा कितना किया है, 24 किया गया, और टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना किया गया बी के द्वारा, 24 किया गया, और बी है जो एक दिन में कितना काम कर रही है, तो बी है जो एक दिन में 3 काम कर रही है, यानी 24 / 3 यानी कितना दिन आ गया हमारा, 8 डे, यानी बी है जो 8 दिन 8 दिन काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, बी है जो 8 दिन। लेकिन क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दे स्टार्ट टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी डेज डज बी लीव, यानी कितने दिनों के बाद बी काम को छोड़ दिया, यानी बी है जो 8 दिन काम करता है, यानी 8 दिन के बाद काम को छोड़ दिया, 8 दिन काम करता है, कहने का क्या कि 8 दिन के बाद काम छोड़ देता है, यानी कितना आंसर हमारा आ गया, तो 8 डेज हमारा आंसर हो गया, कितना हो गया फ्रेंड, तो 8 डेज आंसर हो गया। फ्रेंड इस क्वेश्चन को हम लोग 3 मेथड से करेंगे, ये हमारा फर्स्ट मेथड था, क्या हमने किया, सबसे पहले हमने टोटल वर्क निकाले, उसकी एफिशिएंसी निकाले, फिर क्वेश्चन के मुताबिक ए और बी एक साथ काम करते हैं, फिर बी काम को छोड़ देती है, छोड़ देता है, और कौन करता है, ए का काम करता है, यानी ए है जो लगातार 18 दिन तक काम करता है, 18 दिन में काम करेगा ए, तो 72 वर्क कर रहा है, तो बी कितना वर्क करेगी,
करेगा तो 96 माइनस 72 यानी 24 वर्क कौन कर रहा है तो बी कर रहा है। अब डेज निकालते हैं 24 डिवाइड बाय 3 यानी 8 डेज है यानी 8 दिन तक बी किया तो बी किया यानी कहने का अर्थ क्या है 8 दिनों के बाद जो बी काम को छोड़ देगा यानी हमारा आंसर कितना आया 8 डेज हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स हम लोग अब सेकंड मेथड देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो हमें क्या करना है ए का 24 दिया बी का 32 दिया गया 96 का मैं टोटल वर्क निकाल दिया ए कितना एक्सेंस किया कि 4 आ गया बी का 3 आ गया तब क्वेश्चन के मुताबिक क्या हो रहा है ए प्लस बी प्लस में ए यानी ए प्लस बी अगर मान लेते हैं कि ए प्लस बी है तो कितना दिन काम कर रहा है तो 1 दिन काम कर रहा है और ए कितना दिन काम करेगा तो ए हमारा 18 माइनस 1 यानी टोटल 18 दिन में काम समाप्त हो रहा है तो हमने क्या माना B को निकालना है कि B कितने दिनों का काम छोड़ता है छोड़ देगा तो हमने क्या माना कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं कितना एक दिन तक कितना दिन तक एक दिन तक काम छोड़ रहा है काम कर रहे हैं और उसके बाद A अकेला कितना दिन काम करेगा तो 18 माइनस है क्यों क्योंकि हमारा जो टोटल वर्क है जो 18 दिन में कम्प्लीट हो रहा है A और B एक दिन ले रहा है तो जो A अकेला कितना लेगा 18 माइनस x 18 दिन में घटेगा और इसका टू कितना है हमारा टोटल वर्क कितना है तो टोटल वर्क हमारा कितना है टोटल वर्क 96 है इसका टू 96 टोटल वर्क कर देगा तो हमें क्या करना है वैल्यू पुट कर देना ए और बी क्या था ये हमारा इफिशिएंसी टोटल इफिशिएंसी इनटू टोटल डे क्या हो गया टोटल वर्क हो गया इफिशिएंसी इनटू टोटल डे टोटल वर्क हो गया और दोनों मिलाकर टोटल वर्क को कितना आ गया 96 हमारा टोटल वर्क था तो इक्वेट कर देंगे 96 से तो हम क्या करेंगे हम ए और बी का हम खाली वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा एक्स जो निकाले हैं क्या निकाले हैं एक दिन तक बी है जो काम किया है B किसके साथ काम किया था A के साथ भी काम किया था अगर X निकल जाएगा X का वैल्यू निकल जाएगा तो B का क्या आएगा B कितने दिनों के बाद काम को छोड़ दिया वो निकल के आएगा B कितने दिन के बाद काम को छोड़ा या B कितना दिन काम किया दोनों का वैल्यू क्या आएगा हमारा X आएगा तो आइए हम वैल्यू को पुट करते हैं तो A प्लस B 4 प्लस 3 यानी A कितना है 4 है और B 3 है तो A प्लस B कितना 7 हो जाएगा यानी 7 है प्लस में A कितना है तो ये हमारा 4 है और 18 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 96 हो गया तो अब क्या निकालना है 7x प्लस में 72 माइनस में 4x बराबर 96 तो 7x माइनस 4x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और 72 प्लस में रूल जाएगा तो माइनस हो जाएगा 96 माइनस 72 कितना हो जाएगा 96 माइनस 72 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा यानी x का वैल्यू कितना हमारा आ गया तो x का वैल्यू हमारा 8 आ गया कितना आ गया x का वैल्यू तो x का वैल्यू 8 आ गया यानी a और b दोनों मिलकर इस क्वेश्चन में हमारा तीन क्वेश्चन और ऐड हो सकता था क्या हो सकता था a और b दोनों मिलकर कितना दिन काम करते हैं उसका भी आंसर 8 आता फिर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि b है जो कितना दिन काम करता है उसका भी 8 आएगा अब क्वेश्चन में जो रियल क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है b है जो कितना दिन के बाद काम को छोड़ देगा उसका भी आंसर क्या है 8 दिन काम किया तो 8 दिन के बाद काम को छोड़ देगा यानी आंसर हमारा क्या है 8 ही रहेगा हमारा आंसर कितना है 8 है तो फ्रेंड्स सेकंड मेथड भी कंप्लीट हो चुका है अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थर्ड मेथड क्या है वो देखते हैं तो क्या करना है ए 24 दिन ले रहा है बी 32 दिन ले रहा है क्या है फोटो वर्क निकाल लिए और इफिशिएंसी निकाल लिए अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने दिनों के बाद बी है जो काम को छोड़ दे कि हमारा वर्क है जो 18 दिन में कंप्लीट है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं मान लेते हैं कि बी है जो काम को नहीं छोड़ता है क्या नहीं छोड़ता है तो बी है जो काम को नहीं छोड़ेगा तो बी भी 18 दिन काम करेगा यानी बी भी 18 दिन काम कर रहा है तो हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा वो हम निकाल चुके हैं निकाल लेंगे क्या सपोज कर रहे हैं कि बी काम को नहीं छोड़ेगा तो काम को नहीं छोड़ेगा तो बी भी ए के साथ 18 दिन काम करेगा तो कितना टोटल वर्क आ जाता है वो हम निकाल लेते हैं तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 7 यानी 7 इंटू 18 यानी कितना हमारा आ गया 126 वर्क तो लेकिन हमारा टोटल वर्क जो है वो तो हमारा रियल जो टोटल वर्क है वो तो 96 है 126 आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि बी है जो काम को नहीं छोड़ा क्यों आ रहा है जो 126 इसका जो वर्क है वो क्यों आ रहा है क्योंकि बी है जो काम को नहीं छोड़ा लगातार 18 दिन तक काम कर दिया तो कितना हमारा वर्क आ गया 126 आ गया जो एक्स्ट्रा वर्क अगर निकालना चाहे कैसे निकालेंगे 126 माइनस 96 यानी जो एक्स्ट्रा वर्क है कितना हमारा है 30 कितना हमारा एक्स्ट्रा वर्क आ गया तो हमारा 30 जो है वो हमारा एक्स्ट्रा वर्क आ गया क्यों आ गया एक्स्ट्रा वर्क क्योंकि बी है जो बी को छोड़ा था काम लेकिन बी है जो काम को नहीं छोड़ा लगातार काम करते गया 18 दिन तक
यानी जो हमारे एक्स्ट्रा वर्थ आ गया 30, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वर्थ आ गया तो हम लोग एक्स्ट्रा डे निकालेंगे। किसके द्वारा किया गया, तो बी के द्वारा किया गया एक्स्ट्रा वर्क, वो कितना एक्स्ट्रा टाइम लेगा, यानी बी के द्वारा एक्स्ट्रा वर्क किया गया तो वो एक्स्ट्रा टाइम में किया गया होगा, तो एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय बी यानी एक्स्ट्रा टाइम कितना लिया गया, तो बी है तो बी के द्वारा 30 जो फालतू आ रहा है वो किसके द्वारा है, 30 वर्क जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो किसके द्वारा है, बी के द्वारा, क्योंकि बी है जो काम को नहीं छोड़ा, यानी 30 वर्क हमारा एक्स्ट्रा है तो वर्क एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा टाइम में किया गया होगा, यानी एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय बी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वर्क जो एक्स्ट्रा वर्क है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है क्या से, तो बी के एफिशिएंसी से, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, यानी 30/3 यानी 10 डेज बी है जो एक्स्ट्रा लेगा, कितना लेगा तो 10 दिन एक्स्ट्रा लेगा बी, बी को काम छोड़ना था लेकिन बी है जो 10 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, तो बी है जो कितना दिन बाद काम छोड़ देगी वो निकालना हमें, जो बी कितना दिन बाद काम को छोड़ देगी वो निकालना, तो क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा टाइम दिया हुआ 18 डेज दिया हुआ उसमें से हमारा एक्स्ट्रा डेज माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो बी 18-10 यानी 8 डेज बाद काम को छोड़ देगी, बी है जो कितना दिन काम को छोड़ देगी, तो 8 दिन बाद काम को छोड़ देगी। तो फ्रेंड्स समझिए क्या किया हम, सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है, 96 आ गया, उसके एफिशिएंसी निकालना है 4/3 आ गया। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या किया, इमेजिन कर लिया कि बी है जो काम को नहीं छोड़ती है, यहाँ तो काम को छोड़ना था लेकिन हमने माना क्या, बी है जो काम को नहीं छोड़ता है, तो क्या होगा, तो ए प्लस बी 18 दिन तक काम लगातार करते हैं दोनों मिलकर, तो 126 वर्क आ गया, लेकिन हमारा एक्चुअल जो टोटल वर्क था वो 96 था, तो जो हमारा एक्स्ट्रा वर्क आया किसके द्वारा है, बी के द्वारा है, क्यों, क्योंकि बी है जो काम को हम लोग नहीं छोड़ा है उसको, तो बी एक्स्ट्रा वर्क 30 वर्क करता है, तो बी एक्स्ट्रा वर्क हमारा एक्स्ट्रा डेज में करेगा, बी क्या करेगा एक्स्ट्रा वर्क है जो एक्स्ट्रा डेज में करेगा, तो एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालते हैं, जो एक्स्ट्रा वर्क है उसको हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिए, हमारा 10 डेज हमारा क्या आ गया, 10 डेज एक्स्ट्रा कितना आ गया, 10 डेज हमारा एक्स्ट्रा कौन ले रहा है, बी ले रहा है, तब क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मेनी डेज बी लीव, यानी कितने दिन के बाद बी है जो काम को छोड़ देते, हमें कुछ नहीं करना है, आपको जो 18 डेज दिया हुआ है जो कंप्लीट हो रहा है कितना वर्क था, 18 डेज हो रहा है, और बी है जो 10 एक्स्ट्रा ले रहा है उसको माइनस कर देते तो हमारा 8 डेज आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों मैटर समझ में आ गया होगा, तो हम क्वेश्चन नंबर 268 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 268 करने जा रहे हैं, मेंस लेवल क्वेश्चन ये है, तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। We take 8 more days than Ayush to complete our work, यानी वी है जो 8 दिन ज्यादा लेता है किससे, तो आयुष से। अंकित इज 20% मोर इफिशियंट देन आयुष एंड टेक्स 2 डेज लेस देन आयुष। फिर दिया हुआ क्या कि अंकित है जो 20% ज्यादा किससे इफिशियंट है, तो आयुष से एंड टेक्स 2 लेस डेज देन आयुष, और आयुष से अंकित है जो 2 दिन कम लेता है, और अंकित है कितना 20% मोर इफिशियंट है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ऑल ऑफ देम टू कंप्लीट प्लीज दिस वर्क टुगेदर, तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर वीर अंकित और आयुष तीनों मिलकर इस काम का दुगना कितना दिनों में कर पाएंगे। क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट प्लीज दिस वर्क, यानी जो काम है उसका दुगना काम कितने दिनों में तीनों मिलकर काम कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले वीर के बारे में दिया हुआ है, वीर टेक्स 8 मोर डेज देन आयुष, यानी वीर है जो कितना ज्यादा लेता है, तो आयुष से 8 दिन ज्यादा लेता है, यानी वीर माइनस डिफरेंस दिया हुआ किसका, वीर माइनस आयुष का डेज का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो 8 है, इक्वल टू 8 डेज, ये लिख दिया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी दिया हुआ है, वीर है जो 8 दिन ज्यादा लेता है, यानी वीर माइनस आयुष कितना दिन, तो 8 दिन ज्यादा, डिफरेंस कितना का हो गया, तो 8 डेज का हो गया। उसके बाद अंकित इज 20% मोर इफिशिएंट देन आयुष, यानी 20% मतलब कितना होता है, तो 1/5, 20% मतलब 1/5, तो क्या दिया हुआ है, अंकित है जो अंकित किससे ज्यादा है, तो 20% मोर है किससे, तो आयुष से, यानी देन लगा हुआ है। तो मैंने पहले बता रखा है जिसके साथ देन रहता है वो डेल्टर में रहता है, डेल्टर में जो रहता है वो हम लोग लिख लें, यानी 5 कौन हो जाएगा, तो 5 आयुष हो जाएगा, और अंकित कितना ज्यादा है, तो +1 है, यानी अंकित कितना है, तो 6 है,
कितना हो गया फ्रेंड्स, तो अंकित और आई का हमारा इफिशियंसी का रेशियो आ गया कितना 6:5। अगर हम चाहें तो डेज का क्या रेशियो आ जाएगा, तो डेज का हमारा रेशियो आ जाएगा 5:6। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है और दो दिन का दो आदमी का दिया हुआ है अंकित और आयुष का, तो 6:5 है तो क्या हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। तो ये दिया हुआ कितना, तो दिया हुआ हमारा क्या, एंड टेक्स 2 less days than आयुष, आयुष है जो आयुष, एंड टेक्स 2 less days than आयुष कौन, तो अंकित है जो 2 दिन कम समय लेता है यानी 5 दिन ले रहा है और आयुष 6 दिन ले रहा है, यानी डिफरेंस कितना हमारा, तो 1 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 दिन, कितना दिया हुआ है 1 के वैल्यू 2 डे। तो हम लोग आप पता कर सकते हैं कि अंकित कितना दिन ले रहा है, क्यों 1 यूनिट का वैल्यू 2 डे दिया हुआ है, यहाँ अंकित है जो 5 यूनिट है, यानी अंकित कितना ले रहा है, अंकित इसका मतलब 10 डेज में काम को कम्प्लीट कर देगा, कितना दिन में 10 डेज में, और आए उसी काम को कितना 6 यूनिट दिया हुआ है और 1 यूनिट का वैल्यू 2 डेज है, तो 6 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो आयुष का जो 6:12 यानी 12 दिन में कंप्लीट उसी काम को कर पाएगा। अंकित कितना 10 दिन निकल गया और आयुष 12 दिन निकल गया, तब क्या हो रहा है, वी माइनस आयुष इक्वल टू 8 डेज, तो आयुष कितना है, आयुष 12 है और वी का निकालना है तो कितना हो जाएगा, वी का निकालना है, वी माइनस में 12 इक्वल टू कितना है 8 है, तो वी का निकालना था माइनस जो 12 है उधर जाएगा प्लस उधर, यानी वी है जो कितना लेगा, तो वी का भी हमारा आ गया कितना दिन ले रहा है, तो 20 डेज ले रहा है, कितना ले रहा है, तो 20 दिन ले रहा है, कितना दिन ले रहा है, तो 20 दिन। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले वी और आयुष का जो डिफरेंस था 8 डेज वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि वी है जो 8 दिन जा लेता है, यानी वी और आयुष का जो डिफरेंस है 8 डेज था। उसके बाद दिया हुआ था क्या कि 20% इफिशिएंट कौन है, अंकित है जो 20% इफिशिएंट है, आयुष है, यानी 20% क्या होता है 1/5 होता है, यानी 5 अगर आयुष है तो अंकित कितना होगा 6 हो जाएगा। ये क्या हमारा इफिशिएंसी का रेशियो, अगर इफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसका इन्वर्सली रेशियो क्या होता है, जो इफिशिएंसी होता है जो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इफिशिएंसी 6:5 है तो हमारा डेज कितना आ जाएगा 5:6 आ जाएगा। तो हमने यहाँ देखा और फिर दिया हुआ था हमारा क्या कि अंकित है जो 2 दिन कम लेता है, किससे लेता है 2 दिन कम, तो आयुष है, यानी जो डेज का जो हमारा डिफरेंस है वो कितना है, तो 2 डेज का है, लेकिन हमने रेशियो में क्या देखा 1 यूनिट के बराबर 2 डेज, तो हमारा अंकित का कितना यूनिट है 5 यूनिट है, यानी अंकित हमारा 10 डेज हो गया और आयुष कितना है 6 यूनिट है, यानी 6 × 2 यानी 12 हो गया आयुष हो गया। तो वी के बारे में क्या दिया होगा, वी माइनस आयुष इक्वल टू 8 डेज, तो हमने आयुष की जगह वैल्यू रख दिया 12, हमारा वी कितना आ गया 20 डेज। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग 20, 10 और 12 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, क्यों, क्योंकि टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इफिशियंसी निकालना है, इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी वी का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और अंकित का आ जाएगा 6 आ जाएगा, वी का कितना आ गया, अंकित का कितना आया और आयुष का कितना आया, सबका निकाल लेते हैं। तो V का कितना है फ्रेंड्स, तो V का हमने निकाला 3 आया, यहाँ 3 लिख देते हैं, ये सब क्या है इफिशिएंसी है। और अंकित का कितना आया, तो अंकित का 60 / 10 यानी 6 आया, कितना आया अंकित का, तो 6 आया, 6 लिख देते हैं। और आयुष का, आयुष कितना है, 60 / 12 यानी 5, यानी अब सबका आ गया इफिशिएंसी, V का 3, जो हमने वर्क निकाला था कितना वर्क निकाला, टोटल वर्क 60 निकाला है, अब दुगना वर्क को, यानी 60 का दुगना कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो वीर अंकित और आयुष दुगना वर्क को यानी 120 वर्क को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में मिलकर उसे पूरा करेंगे, यानी डेज निकालना है आपको। डेज कैसे निकालता है, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, जो 60 हमारा था उसे दुगना यानी 120, यानी टोटल वर्क 120 हो गया, डिवाइड बाय टोटल इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी किसका, तो वीर अंकित और आयुष का, तो 6 × 9 = 14, 6 × 9 = 14 यानी 120 / 14, तो काट लेते हैं
214 यानी 60/7 डेज हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया फ्रेंड, तो 60/7 डेज हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, 60/7 डेज कितना हो गया, तो 60/7 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 268 समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 269 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 269 करने जा रहे हैं, तो आइए हम क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। ए इज 50% मोर इफिशिएंट देन बी, यानी ए है जो 50% ज्यादा इफिशिएंट है किससे, बी से। दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क, वे लोग एक साथ काम को प्रारंभ करते हैं। एंड 7/12 ऑफ वर्क इज लेफ्ट, यानी 7/12 का अभी भी लेफ्ट है, बाकी है आफ्टर 8 डे, यानी 8 दिनों तक काम करते हैं ए और बी, लेकिन अभी भी 7/12 काम अभी भी बाकी है। फाइंड इन व्हाट टाइम बी अलोन विल कंप्लीट द होल वर्क, तो पूछ रहा है कि बी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें निकालना है। क्या निकालना है, बी का डेज निकालना है। तो सबसे पहले ए इज 50% मोर इफिशिएंट देन बी, यानी 50% क्या होता है, 50% मतलब 1/2, यानी जिसके साथ डैन में लगा वो क्या होगा डेमीटर में रहेगा, तो बी क्या होगा, बी का कितना वैल्यू होगा 2 यूनिट होगा, यानी बी अगर 2 यूनिट है तो ए कितना होगा, तो ए कितना 1 ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो +1 है, यानी बी कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ए इज 50% मोर देन बी, यानी बी अगर 2 है तो ए कितना होगा +1 होगा, यानी ए कितना होगा 3 होगा। तो हमारा 3 क्या आ गया, हमारा इफिशियंसी आ गया, ए और बी का क्या आ गया फ्रेंड, इफिशियंसी आ गया 3:2। उसके बाद दिया हुआ डेट टुगेदर स्टार्ट द वर्क, यानी ये लोग मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। एंड 7/12 ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, कितना लेफ्ट है अभी तक, तो 7/12 काम लेफ्ट है, यानी अभी तक हो कितना चुका, 7/12 काम आपका रिमेनिंग है, बचा हुआ है, लेफ्ट है, रिमेनिंग है। तो अभी तक कितना काम हो चुका है, तो रिमेनिंग 7/12 काम आपका रिमेनिंग है, तो कितना काम हो चुका है, तो 1-7/12 यानी 5/12 काम आपका हो चुका है, क्या हो चुका है, 7/5/12 काम आपका हो चुका है। 7/12 काम 8 दिन करते हैं, क्या लिखा हुआ है, दे स्टार्ट द वर्क एंड 7/12 ऑफ द वर्क इज लेफ्ट एंड आफ्टर 8 डे, यानी 8 दिनों के बाद भी अभी भी 7/12 काम बाकी है, यानी 8 दिनों में 5/12 काम हो चुका है, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर 5/12 काम कितना दिन में कर रहे हैं, तो 8 दिन में, 8 डेज में, यानी ए प्लस बी अगर हम निकाले कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में काम करें तो क्या हो जाएगा, 12 × 8/5 कितना हो जाएगा, तो 12 × 8/5 डेज, यानी ए और बी पूरा काम कितना दिन में करेंगे, तो 12 × 8/5 ए प्लस बी है जो 5/12 काम 8 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना में करेगा, तो 12 × 8/5 डेज में, तो 12/8 = 96/5 डेज कितना आ जाएगा, 96/5 डेज। तो हमें निकालना कितना है, इसका निकालना है, तो देन बी का पूछ रहा है, बी अलोन विल कंप्लीट द होल वर्क, तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द व्हाट टाइम बी अलोन विल कंप्लीट द होल वर्क, तो बी का डेज पूछ रहा है, तो डेज निकालने में क्या चाहिए हमें, टोटल वर्क चाहिए और इफिशियंसी चाहिए, तो इफिशियंसी तो हम बी का 2 है और टोटल वर्क तो अभी तक निकाले नहीं है, ए और बी का डेज आ गया, टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल वर्क अगर निकालना चाहेंगे कैसे निकलेगा, टोटल वर्क निकालने के लिए हमें टोटल डेज चाहिए और इफिशियंसी चाहिए, तो टोटल डेज तो आ चुका है ए और बी का 96/5 कितना आ गया, 96/5 टोटल डेज इंटू टोटल इफिशियंसी, क्या होगा टोटल वर्क का फॉर्मूला, टोटल डेज इंटू टोटल इफिशियंसी, टोटल डेज किसका है, ए प्लस बी दोनों मिलकर 96/5 डेज लेते हैं, तो दोनों का इफिशियंसी कितना है ए और बी का, तो 3+2 यानी दोनों को ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा, 3+2 यानी 5, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टोटल वर्क निकालने का क्या फॉर्मूला है, टोटल वर्क निकालने का क्या फॉर्मूला है, टोटल डेज इंटू टोटल इफिशियंसी, टोटल डेज किसका लिए तो ए प्लस बी का, तो टोटल इफिशियंसी किसका लेंगे, तो टोटल इफिशियंसी भी ए प्लस बी का लेंगे, यानी 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, हमारा तो 96 हमारा टोटल वर्क आ गया। अब क्या निकालना है,
तो बी का डेज निकालना, तो बी अकेला कितना दिन में काम को इसी काम को पूरा करेगा, तो डेज निकालने कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल वर्क आ गया है डिवाइड बाय टोटल इफिशियंसी, तो किसका निकालना है, तो बी का निकालना है, तो बी का हम लोग इफिशियंसी लेंगे, तो बी का इफिशियंसी कितना है 2 है, यानी 96 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 96 डिवाइड बाय 2 तो कितना हमारा आंसर आ गया, कितना हो जाएगा 96 डिवाइड बाय 2 यानी बी कितना लेगा, तो बी हमारा 48 डेज हमारा लेगा, कितना लेगा, तो 48 डेज हमारा बी अकेला काम करने में लेगा, तो फ्रेंड्स कितना आंसर हुआ हमारा, तो 48 डेज हमारा आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 269 आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 270 करने जा रहे हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा वेज कॉन्सेप्ट पे है, तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। सैंडी एंड मैंडी डू 8/13 पार्ट ऑफ अ वर्क, यानी सैंडी और मैंडी है जो दोनों मिलकर 8/13 का, यानी कुल अगर टोटल अगर 13 काम है, सैंडी और मैंडी मिलकर 8 काम कर लेते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क वर कम्प्लीटेड बाय एंडी, और एक एंडी भी है जो रेस्ट बचा हुआ काम है, जो 8 काम तो कौन करता है, सैंडी और मैंडी, और रेस्ट कितना हो गया 5 का, यानी टोटल अगर 13 काम है तो सैंडी और मैंडी 8 काम करते हैं, और एक और है एंडी वो रेस्ट काम करते हैं, जो अधूरा काम 5 जो काम बचा हुआ था वो कौन करेगा, एंडी करेगा। इफ सैंडी मैंडी एंड एंडी टेक द सेम वर्क फॉर ₹2600, यानी तीनों मिलकर उस काम को करने के लिए कितना रुपए में तैयार होते हैं, ₹2600 में तैयार होते हैं। व्हाट इज द शेयर ऑफ एंडी, तो पूछ रहा है कि एंडी का शेयर क्या होगा। तो फ्रेंड्स वेज, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, वेज क्वेश्चन है, वेज की कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है आपका, तो सबसे पहले समझिए कि वेज कॉन्सेप्ट में होता क्या है, जो जितना वर्क करेगा उसी हिसाब से उसको रुपया दिया जाता है, मतलब कहने का अर्थ है कि एंडी और मैंडी अगर कितना काम कितना वर्क कर रहे हैं, तो 13 टोटल वर्क है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो क्या है, टोटल वर्क है, यानी 8/13 का, यानी 8 काम दोनों मिलकर कौन कर रहे हैं, एंड सैंडी और मैंडी, तो सैंडी और मैंडी कितना काम करते हैं, तो 8 काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और एक एंडी भी है जो रिमेनिंग काम जो है 8/13, और टोटल हमारा कितना काम है, टोटल वर्क हमारा कितना है 13 है, 13, तो सैंडी और मैंडी 8 काम कर रहे हैं, और जो एंडी है जो 5 काम कर रहा है, यानी जो हमारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहने का अर्थ यह है कि वर्क के हिसाब से जो जितना काम करेगा उसको उतना रुपया मिलेगा, यानी सैंडी मैंडी 8 काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से रुपया मिलेगा, और एंडी है जो 5 काम कर रहा है उसके हिसाब से रुपया मिलेगा, यानी कहने का अर्थ है कि जो जितना काम करता है उसको उतना रुपया मिलता है, जो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वर्क के हिसाब से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो सैंडी और मैंडी कितना काम कर रहे हैं, 8/13 काम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ निकालना क्या है, व्हाट इज द शेयर ऑफ एंडी, तो एंडी का पूछ रहा है शेयर पूछ रहा है, यानी टोटल कितना वर्क है हमारा, 13 वर्क है, कितना वर्क है 13 वर्क, और यहाँ रुपी में कितना है हमारा, तो 2600, यानी मैंने बोला आपको जो जितना काम करेगा उसको उतना रुपया मिलेगा, यानी 13 वर्क का आपका जो तय हुआ है 2600 रुपया मिलेंगे, यानी 13 वर्क कीजिएगा आपका तो हम 2600 रुपया देंगे, यानी 13 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2600 रुपी है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो 2600 / 13 यानी 200 कितना हो जाएगा, 200 रुपी हो जाएगा, और हमें निकालना किसका है, तो निकालना हमें एंडी का शेयर, किसका निकालना है, एंडी का, यानी 5 यूनिट निकालना है, कितना निकालना है, तो 5 यूनिट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, 1 यूनिट का वैल्यू 200 है, तो 5 यूनिट यानी एंडी का शेयर कितना हो जाएगा, 200 × 5 यानी कितना हो जाएगा, ₹1000, 1000 हमारा क्या हो गया फ्रेंड, आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन में पूछता कि हमें बताइए कि सैंडी कितना रुपया लेगा, तो कैसे निकलेगा, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि सैंडी और मैंडी का तो 8 यूनिट दिया हुआ है, और दोनों के बीच रेशियो नहीं दिया हुआ, किस रेशियो में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा पैसा, तो नहीं निकल पाएगा, मैंडी का भी पूछता तो नहीं निकल पाता, एंडी का कैसे निकल गया, क्योंकि एंडी है जो रिमेनिंग काम जो बचा हुआ काम था 5 यूनिट उसको पूरा करता है, तो एंडी तो अकेला है, एंडी 5 यूनिट है, निकल पाया, टोटल कितना यूनिट है, 8 और 5 यानी 13, अगर टोटल यूनिट था
टोटल वर्क कितना था, 13 था, तो 13 यूनिट को करने के लिए हमें कितना रुपया मिल रहा है, 2600 रुपया मिल रहा है, तो एक यूनिट का कितना हो गया 200 रुपीज मिल रहा है। और एनडी का निकालना था, एनडी कितना है 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा 200 × 5 यानी ₹1000। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। तो आज के सेशन में इतना ही, अगर आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ्स से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।